पानीपत में सामान्य बस स्टैंड के पास व शहर के दोनों थानों के सामने चोरों ने लाखों के लैपटॉप पर किया हाथ साफ। दुकानदार मना रहा था अपने घर दिवाली और चोर दुकान में करीब 25 लाख रुपए की कीमत के लैपटॉपों को ताला तोड़ हाथ साफ करके हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। हम रात को दिवाली की पूजा करके ऑफिस बंद करके चले गए थे, तो रात को तकरीबन 2:45 बजे के आसपास पड़ोसी का फोन आया साथ वाली दुकान वाले का, तो उसने कहा भाई तुम्हारी दुकान का साइड वाला शटर टूटा हुआ है। तो जब हमने यहाँ पर आके चेक करा तो देखा शटर टूटा हुआ है, हमने पहले शीशा भी टूटा हुआ है सारा यहाँ का। फिर हमने पुलिस को सूचना करी इस बारे में भाई यहाँ पर कुछ हुए चोरी की वारदात हुई है, और हमने अपना मेन शटर इसका खोल के चेक करा, अंदर आके देखा तो सारे लैपटॉप गायब थे। तकरीबन यहाँ पर 20-25 के आसपास के लाख के आसपास की चोरी हो चुकी है। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।